10. परशुराम की बेचैनी। इस प्रकार अयोध्या में उन्हें सौंपे गए राजकुमारों ने मिथिला में दशरथ को सुरक्षित रूप से वापस सौंप दिया और विवाह समारोह में भाग लेने के बाद विश्वामित्र ने दोनों राजाओं की छुट्टी ली और चले गए हिमालय। राम की कहानी में विश्वामित्र का कोई और हिस्सा नहीं है। विश्वामित्र को राम कथा के भव्य मंदिर की नींव कहा जा सकता है। मिथिला में राम की शादी के बाद हम उन्हें फिर से नहीं देखते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वाल्मीकि के एक सर्ग में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पात्र बाद के सर्गों में लगभग फीके पड़ जाते हैं। विश्वामित्र जो बालकांड पर हावी हैं, फिर से प्रकट नहीं होते हैं। इसी प्रकार कैकेयी और गुहा केवल अयोध्या कांड में ही प्रमुख हैं। यही बात भरत के बारे में भी कही जा सकती है, जिनका वर्णन चित्रकूट बैठक और राम के अयोध्या लौटने के बीच के अध्यायों में नहीं मिलता है। राम के संकट की अवधि के दौरान कवि शायद ही भरत को हमारी आंखों के सामने लाता है। वाल्मीकि रामायण के पात्र महाभारत और सामान्य नाटकों और उपन्यासों के विपरीत स्वयं को बार बार प्रस्तुत नहीं करते हैं। आलोचकों को वाल्मीकि के महाकाव्य की इस सामान्य विशेषता को ध्यान में रखना चाहिए। राजा दशरथ अपने अनुचर के साथ अयोध्या लौट आए। रास्ते में अपशकुन थे और चिंतित दशरथ ने वशिष्ठ से पूछा कि उन्होंने क्या चित्रित किया है। वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि वहां चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हवा में पक्षियों ने संकेत दिया कि मुसीबत आ रही है। भूमि पर जानवरों ने एक सुखद अंत का वादा किया था। जब दशरथ और वशिष्ठ इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, तब एक बड़ा तूफान आया। पेड़ उखड़ गए और प्रायवी कांप उठी और धूल के बादल चढ़ गए और सूर्य को छिपा लिया और चारों ओर से घोर अंधकार छा गया। हर कोई दहशत में था। जल्द ही उन्हें इस अजीब घटना का कारण पता चल गया। उनके सामने क्षत्रियों के शत्रु परशुराम, एक कंधे पर धनुष और दूसरे पर युद्ध कुल्हाड़ी और हाथ में बिजली की तरह चमकते हुए एक तीर के साथ उनके सामने खड़े थे। दिखने में भयानक, अपने उलझे हुए तालों के साथ वो रुद्र की तरह त्रिपुरा के विनाश में हर्षित लग रहा था। उसके मुख से ज्वाला सदृश तेज चमक रहा था। ऋषि जमदग्नि के पुत्र ने क्षत्रियों में आतंक मचाया। कई पीढ़ियों का उन्होंने सर्वनाश कर दिया था। वो जहां भी गया, उसके पहले तूफान और भूकंप आया था और क्षत्रिय जाति भय से कांप उठी। दशरथ के अनुचर में ब्राह्मणों ने एक दूसरे से कहा, क्योंकि उनके पिता को एक राजा ने मार डाला था। परशुराम ने क्षत्रिय जाति को नष्ट करने का संकल्प लिया था। हमने ये आशा करने की हिम्मत की कि उनका तामसिक क्रोध उनके असंख्य राजाओं के खून में बुझ गया था। मारे गए, क्या उसने फिर से अपना क्रूर अभियान शुरू कर दिया है? हालांकि उन्होंने उसे पानी की प्रथागत भेंट से सम्मानित किया। इसे प्राप्त करने के बाद परशुराम ने खुद को राम से संबोधित किया। दशरथ के पुत्र, मैंने आपके पराक्रम के बारे में सुना है। मुझे यह जानकर कुछ आश्चर्य हुआ कि आपने राजा जनक के दरबार में धनुष को थपथपाया और धनुष के टूटने तक आपने डोरी खींची। यह मेरा है धनुष, जो तुमने तोड़ा उसके बराबर। यह विष्णु का धनुष है जो मेरे पिता को सौंपा गया था। यदि आप इस धनुष को बांधने में सक्षम हैं, तो आप करेंगे मेरी लड़ाई के योग्य बनो। घटनाओं के इस मोड़ पर दशरथ परेशान थे और उन्होंने विनती की कि उनके पुत्र राम को मुकदमे से बख्शा जाना चाहिए। उन्होंने परशुराम से कहा, आप एक ब्राह्मण हैं। हमने सुना है कि आपके प्रतिशोध से तृप्त होकर आप अपने आदेश के अनुसार तपस में वापस चले गए हैं। इंद्र को अपनी दुर्दशा के वचन के अनुसरण में जिस पृथ्वी पर आपने विजय प्राप्त की थी, उसे देने के बाद कश्यप, क्या यह उचित है कि आप अपना व्रत तोड़ें और तलाश करें कोमल वर्षों के एक राजकुमार को, घायल करो जिसने तुम्हारा कुछ भी गलत नहीं किया है, और हमें जीवन से अधिक प्रिय कौन है? परशुराम ने उसे बिना देखे बिना हिले डुले सुना और खुद को केवल राम को संबोधित किया, जैसे कि अन्य मौजूद नहीं थे।
विश्वकर्मा ने मूल रूप से दो बिल्कुल समान धनुष बनाए। उनमें से एक रुद्र को और दूसरा विष्णु को दिया गया था। यह वो विष्णु को दिया गया है। कहा जाता है कि आपने जो कहा है और टूटने के बिंदु पर झुक गया है वो शिव का धनुष था। देखें कि क्या आप कर सकते हैं। विष्णु के इस धनुष को स्ट्रिंग करें और यदि आप करते हैं तो यह आपके कौशल और ताकत का प्रमाण होगा और तब मैं तुझ से युद्ध करके तेरा आदर करूंगा। परशुराम ऊंचे और अहंकारी स्वर में बोले। उसके लिए राम ने विनम्र तरीके से उत्तर दिया, फिर भी दृढ़ स्वर में, जमदग्नि के पुत्र, आप प्रतिशोधी हैं क्योंकि आपके पिता को एक राजा ने मार दिया था। मैं इसके लिए आपको दोष नहीं देता, लेकिन आप मुझे नीचे नहीं गिरा सकते क्योंकि आपने दूसरों को नीचा दिखाया है। कृपया मुझे अपना धनुष दें। इतना कहकर उन्होंने परशुराम से धनुष बाण ले लिया। उसने धनुष को फंसाया और उस पर तीर रखकर डोरी खींची। परशुराम को संबोधित करते हुए उन्होंने एक मुस्कान के साथ कहा, स्ट्रिंग पर रखा गया यह शक्तिशाली वैष्णव तीर मूर्खता से वापस नहीं रखा जा सकता है। इसे कुछ नष्ट करना होगा। मुझे बताओ, क्या यह आपकी गति की शक्तियों को नष्ट कर देगा या आप इसके फलों का उपभोग करेंगे आपका तपस? जैसे ही दशरथ के पुत्र ने विष्णु के धनुष पर प्रहार किया, परशुराम के चेहरे की महिमा फीकी पड़ गई और वो खड़ा हो गया। अब युद्ध विजेता नहीं बल्कि एक आत्म दमन ऋषि परशुराम अवतार के उद्देश्य के लिए समाप्त हो गया था। परशुराम ने अयोध्या के राजकुमार से हल्के से कहा, मुझे एहसास है कि आप कौन हैं। मुझे खेद नहीं है कि आपने मेरे अहंकार को शांत कर दिया है। मेरे सभी तपों को आप पर जाने दो, लेकिन कश्यप से अपने वादे के कारण मैं उनके डोमेन में नहीं रह सकता और इसलिए सूर्यास्त से पहले महेंद्र पर्वत पर वापस जाना है। मुझे इस एक चीज के लिए अपनी गति की शक्ति का उपयोग करने दो। इसके अधीन जो तीर आपने धनुष पर लगाया है वो तपस के माध्यम से अर्जित मेरी सारी शक्ति का उपभोग कर सकता है। इतना कहकर परशुराम राजकुमार के चारों ओर श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा करते हुए चले गए। अयोध्या के नागरिकों को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि दशरथ और शाही राजकुमार राजधानी लौट रहे थे। शहर फूलों से उत्सवी था और देवलोक की तरह चमक रहा था। राम और सीता 12 वर्ष तक अयोध्या में सुखपूर्वक रहे। रामाहदि सीता को अपना हृदय समर्पित कर दिया। किसी के लिए यह कहना मुश्किल था कि उनका प्यार उनके गुणों के कारण बढ़ा या उनके रूप की सुंदरता में लगाया गया। उनके दिल बिना बोले भी एक हो गए। राम के प्रेम में आनंदित सीता स्वर्ग में लक्ष्मी की तरह चमक उठी। लंबे समय बाद जब उनका वन जीवन शुरू हुआ, महान ऋषि अत्रि की पवित्र पत्नी अनसुया ने राम के लिए सीता के प्रेम की प्रशंसा की और सीता ने उत्तर दिया, यह और कैसे हो सकता है। राम एक आदर्श व्यक्ति हैं। मेरे लिए उनका प्यार उनके लिए मेरे बराबर है। उनका स्नेह अपरिवर्तनीय है। हृदय से शुद्ध उन्होंने इंद्रियों को महारत हासिल कर लिया है।